हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो का टाइटल देख के इस वीडियो को स्टार्ट किया है तो जाहिर सी बात है कि आप कारों के बेहद दीवाने हैं। अट्रैक्टिव फीचर्स वाली स्टाइलिश कारें आपको बहुत पसंद आती होंगी। अब आप भाई यूं ही तो कारों की जानकारी लेने आए नहीं है। वेल, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन कारों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो कोई ऐसी वैसी नॉर्मल कारें नहीं है, बल्कि ये वो कॉन्सेप्ट कारें हैं जिनके बारे में जानकर आप क्रेजी हो जाएंगे। अब अगर हम आपसे कहें कि भाई ऐसी भी कारें जिसके दो बॉडीगार्ड्स हैं और एक कार वो भी है जिसका स्टीयरिंग व्हील गायब है, तो क्या आप मानेंगे? आप कहेंगे भाई मैं तो नहीं मानता। वेल, अगर आप नहीं मानेंगे तो यस, ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिए, ट्रस्ट मी, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकन को फटाफट से प्रेस कर दीजिए। नंबर 1, द बैटमैन जस्टिस लीग कार। दोस्तों, जब भी सुपर हीरो मूवीज की बात चलती है तो जस्टिस लीग का नाम भाई जरूर आता है। ठीक वैसे जब बेस्ट और लग्जरी गाड़ियों की बात चलती है ना, तो मर्सिडीज बेंज का नाम ना है, ऐसा तो भाई हो ही नहीं सकता। अब जरा सोचिए अगर दोनों साथ आ जाए तो भाई साहब कैसा कमाल होगा। ऐसी ही कमाल की है दी बैटमैन जस्टिस लीग कार, भाई जिसे आपके चहेते बैटमैन ने चलाया था। जी हाँ, जस्टिस लीग में। दोस्तों, इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी बैटमैन के हिसाब से डिजाइन किया हुआ है। गाड़ी की BHP 577 है और 5.5 लीटर का ट्विन टर्बो इंजन है। अब आप समझ ही सकते हैं कि भाई ये गाड़ी कितनी कमाल की है। और अगर बात करें इसके लुक्स की, तो भाई साहब जैसा आप देख रहे हैं इसके लुक्स का कोई तोड़ नहीं है। आप जानते हैं इस गाड़ी के दो बॉडीगार्ड्स भी हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। अब भाई जब गाड़ी इतनी स्टाइलिश होगी, इतनी महंगी होगी, तो बॉडीगार्ड्स तो होंगे ना। दोस्तों, मर्सिडीज बेंज AMG विजन ग्रैंड ट्यूरिस्मो में कॉन्सेप्ट कार की बॉडी एल्यूमिनियम स्पेस फॉर्म की है। दोस्तों, इसके हैंड लैम्प्स और फ्रंट ग्रिल भी लाजवाब हैं। वेल, अब इस कॉन्सेप्ट कार के बारे में जानने के बाद जाहिर सी बात है कि ऐसी और भी कारों के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं ऐसी और कारों के बारे में। नंबर 2, दोस्तों एक ऐसी कार है जिसमें 5 ड्रोन है। चौंकिए मत, ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। ये है ऑडी AI ट्रेल। अब ऑडी के भाई 4 छल्लों के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन इसमें लगे हुए 4 इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स। इसकी छत यानी कि रूफ पर लगे हुए 5 ड्रोन एक्ट करते हैं स्पॉटलाइट की तरह। यानी अगर आसान भाषा में समझे तो स्पॉटलाइट आगे की जगह ऊपर लगी हुई है। जब गाड़ी चलेगी ना तो ये ड्रोन ऊपर की ओर उड़ेंगे और आगे जाकर भैया आपके रास्ते में रोशनी करेंगे और आपको अच्छे से रास्ता दिखाएंगे। अगर आप जंगल में या फिर किसी एडवेंचरस ट्रिप पर निकले हुए हैं, तो जब आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे तो ये ड्रोन आपको फॉलो करेगा और फिर वापस आकर भाई आपको गाड़ी तक लेकर भी आएगा। दोस्तों, 2019 की एक कॉन्सेप्ट का ऑटोनोमस ड्राइविंग और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के साथ है। नेचर के लिए बहुत ही सेंसिटिव है, इसमें कोई एमिशंस नहीं है और ये साइलेंटली चलती है ना, एकदम कमाल। नंबर 3, चलिए अब जान लीजिए एक ऐसी कार के बारे में जिसका स्टीयरिंग व्हील गायब है। जी हाँ जनाब, ये कॉन्सेप्ट कार है 2018 पिकॉर्ड। 600 किलोमीटर रेंज वाली ये कार पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी स्टीयरिंग व्हील नहीं है। जब भी इसको आपको ड्राइव करना है दोस्तों, आपको अपने फोन से इसे ड्राइव मोड में ऑपरेट करना है। और ये देखिए, स्टीयरिंग व्हील भाई साहब कुछ इस तरह से सामने आ जाएगा। फैमिली के साथ ट्रेवल करना हो या कुछ एक्सप्लोर, यकीन मानिए इस कार का कोई मुकाबला नहीं है। इस कार का ड्राइविंग मोड भी दोस्तों बड़ा कमाल का है। आप इसे ऑटो ड्राइविंग मोड पर डालकर रिलैक्स भी कर सकते हैं और ड्राइव करने का मोड हो तो वो भी पॉसिबल है। 2 सेल्फ ड्राइविंग और 2 ऑटो मोड के साथ ये कॉन्सेप्ट कार आपके दिल को पहली नजर में जीत लेगी। नंबर 4, दोस्तों अपनी एक्साइटमेंट को जरा कंट्रोल में रखना, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसी कार लेकर आए हैं जिसका फ्लोर ग्लास का है। पेरिस बेस्ड कंपनी की कार DS Exigence। भाई इसके बारे में कुछ भी कहने से पहले मैं ये बात तो जानता हूँ कि इसके लुक ने आपको कुछ देर के लिए रोक लिया होगा, क्योंकि इसका लुक ही कुछ ऐसा है जैसा शायद ही किसी कॉन्सेप्ट कार का हो। अब आप इसकी पैसेंजर सीट पर नजर डालेंगे तो आप देख पाएंगे वो ग्लास फ्लोर जिसकी हमने शुरुआत में बात की। इस गाड़ी की राइट साइड में बैठकर आप पूरी तरह से रिलैक्स कर सकते हैं, तो वहीं लेफ्ट साइड यानी कि ड्राइविंग सीट पर बैठकर आप रेस कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नई कार के साथ। नंबर 5, दोस्तों अवार्ड फंक्शन के रेड कार्पेट के बारे में तो भाई आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या कभी आपने किसी गाड़ी के रेड कार्पेट के बारे में सुना है? जी हाँ, एक ऐसी कार जिसमें डिजिटल रेड कार्पेट हो। दोस्तों, रोल्स रॉयस की इस कॉन्सेप्ट कार में आपके लगेज को रखने का भाई तरीका इतना क्रेजी है कि आप इसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे। सच्ची में इस कार में बैठने के लिए आपको झुकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी छत बहुत आराम से खुल जाती है और आप इसमें आराम से अब बैठ सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ इस कार में नीचे की तरफ रेड कलर की डिजिटल लाइट लगी हुई है। वो जब जलती है ना तो इस तरह से प्रोजेक्ट होती है कि मानो आपकी कार रोड पर से नहीं बल्कि एक रेड कार्पेट पर से गुजर रही हो। तो दोस्तों, पूरी उम्मीद है कि आपको क्रेजी कॉन्सेप्ट कार की जानकारी भाई बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज इसको लाइक करें और इसमें आपकी फेवरेट कार कौन सी है या सबसे अच्छी कार आपको कौन सी लगी कमेंट करके बताइए। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए छोटा सा काम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।